हेलो दीपक केळकर दिस साइड। मैं आपसे बात करने वाला हूं धूम्रपान, स्मोकिंग और सम्मोहन और उसका इलाज। क्या होता है कि हर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को, मतलब वो सिगरेट रहो या बीड़ी रहो, उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये छोड़ना चाहिए, ये गलत आदत है, ये मैंने छोड़ना चाहिए, ऐसा उसको हर एक को लगता है। मगर वो उतना इतना उसका आदि हो जाता है कि उसके सिवा रहा नहीं जाता। मतलब लोग मैंने देखे हैं कि 5 सिगरेट एक दिन में लेने वाले, मतलब पीने वाले लोग हैं, और 40 सिगरेट रोज पीने वाले लोग हैं, 50-60 भी पीने वाले लोग देखे। एक व्यक्ति 100 सिगरेट पीने वाला देखा है, 100 सिगरेट रोज पी रहा है। अब यह सिगरेट पीने वाले को मालूम है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मगर ऐसा हम बोलते हैं कि ज्ञान से कुछ फायदा होता नहीं, नोइंग डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ज्ञान है कि सिगरेट पी के कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर होता है, फुफ्फुसों का कैंसर होता है, और उससे ज्यादा मतलब चांसेस है कैंसर होने के, तभी भी नॉलेज डजेंट मेक एनी डिफरेंस, नोइंग डजेंट मेक एनी डिफरेंस, पीते रहते हैं क्योंकि आदत से मजबूत, बहुत मजबूत हो जाते हैं और मजबूर भी हो जाते हैं। वो टाइम हुआ कि उसको लगता है कि नहीं नहीं अभी मैंने सिगरेट पीना ही चाहिए। डॉक्टर मतलब क्रॉनिक कफ, खांसी, पुरानी खांसी तैयार हो जाती है, मतलब फेफड़े जो है वो सुकड़ जाते हैं, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोले रहता है कि अभी नहीं अभी बंद करना चाहिए। फिर एकदम सीरियस कंडीशन जब होती है तब लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते नहीं डॉक्टर साहब अभी हमको कुछ ना कुछ बताओ, और उसकी सिगरेट कैसे छोड़ना, अभी वो छुड़वा के हमने रहना बताइए। तो उनको मैं बताता हूँ ठीक है आपकी इच्छा है तो आपको 2-3 तरह से उसका इलाज मैं आपको करवा के देता हूँ। एक है हम उसको सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस। एक तो फिर मैं मेरे क्लिनिक में उसको हेट्रो हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ, मतलब मैंने उसके ऊपर सम्मोहन करना, मैं उसके ऊपर सम्मोहित करता हूँ, तो उसको सेशन को बुलाता हूँ। हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार वो सेशन को आता है, हर एक सेशन 10 से 15 मिनट का रहता है, और फिर उसको बोलता हूँ कि भाई तू घर में जाके प्रैक्टिस कर। तो यहाँ हेट्रो हिप्नोटिज्म होता है, पर सम्मोहन, और घर में जाके वो स्व सम्मोहन की प्रैक्टिस करता है। उसको हम कैसेट भी देते हैं ताकि घर में कैसेट सुन के वो स्व सम्मोहन करेगा। तो उसमें हम उसको सूचना है कैसी देना उसको सिखाते हैं हम। तो सूचना है कैसे देना कि जब सम्मोहित करते हैं, पूरा हिप्नोटाइज करते हैं, पूरा रिलैक्स है, पूरा हिप्नोटाइज हो चुके हैं, एकदम डीप ट्रांस में है, उसमें अपने आप को सूचनाएं देने का है कि सिगरेट, पहली सूचना सिगरेट पीने के बाद में मुझे ऐसा एहसास होगा कि ये पीना गलत है, सिगरेट पीने के बाद में मुझे ऐसा विचार आएगा, ऐसा एहसास होगा कि सिगरेट पीना गलत है, इससे मुझे कैंसर हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, और मैंने बंद करना चाहिए। तो कुछ दिन तक हम बोलते ये सूचना चलाओ, यही देते जाओ, यही देते जाओ सूचना। फिर एक्चुअली उसको उसका फायदा दिखने लगता है उसके जीवन में, कि हर सिगरेट पीने के बाद में उसको लगता है कि नहीं सिगरेट पीना खराब है, बुरा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो उसको जब एक्चुअली लगने लगेगा हर सिगरेट स्मोकिंग के बाद में, फिर हम बोलते हैं कि सिगरेट जब पी रहे हैं, कल्पना करो सम्मोहन की अवस्था में कि आप सिगरेट पी रहे हो, और सिगरेट पीते पीते आपको ऐसा उसका भी एहसास होना शुरू हो जाएगा, वो विचार आएंगे कि नहीं मैं जो पी रहा हूं ना सिगरेट वो गलत है, मैंने रोकना चाहिए, और आप रोक देंगे। तो उस ये जो है इस तरह की सूचना है वो उसको देने के लिए बोलते हैं। वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता सूचना दी जाती है, फिर एक बार वो उसको विचार आने लगा एक्चुअली जीवन में कि सिगरेट पीने के समय उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं अभी मैंने बंद करना चाहिए, फिर थर्ड स्टेज में हम उसको लेके जाते हैं। तीसरा कौन सा है कि सिगरेट पीने का विचार आने के पहले ही मुझे उसका एहसास होगा कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है और मैं सिगरेट पीना टाल दूंगा, या मेरा माइंड जो है, मेरा मन जो है और कहीं लगा दूंगा। तो ये फिर सूचना है उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये सूचना है देना। और फिर चौथी स्टेज जो है कि सिगरेट पीने का विचार ही मेरे मन में आएगा नहीं, और मैं मतलब कहीं ना कहीं अपना मन लगा दूंगा, वो जो समय रहता है सिगरेट पीने का उस समय मेरा मन और कहीं लगा दूंगा, ताकि मेरे मन में विचार ही आएगा नहीं। तो इस तरह अलग अलग तरह से सूचनाएं दी जाती है। सूचना एक तो मैं उसको देता हूं, या वो व्यक्ति खुद खुद को सूचनाएं देता है।
सेल्फ हिप्नोटिज्म से, और फिर धीरे 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 हैमरिंग जब सबकॉन्शियस माइंड पे होता है तो हैमरिंग होते 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 वो खुद ही आके बोलता है कि अभी मेरी आदत छूट गई। इसके साथ साथ हम उसको कुछ दवाई भी देते हैं। एक दवाई है जैसा ब्रुप्रोपियन नाम की जो एक केमिकल कंटेंट है, तो वो जो गोली है तो उसमें सिगरेट पीने की इच्छा कम होती है, तो वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर एक फ्लॉक्सिटिन नाम का एक केमिकल है तो वो भी हम देते हैं, उससे भी जो विचार है वो कम हो जाते हैं। फिर च्युइंगम्स आते हैं जिसमें सिंथेटिक निकोटिन रहता है, तो उसको वो जब जब सिगरेट पीने की इच्छा होती है तब जबान के नीचे, जीवा के नीचे रखने के लिए देते हैं और चूसने के लिए देते हैं। उसमें से धीरे 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 निकोटिन छूटते जाता है, तो उसकी जो तलब आती है वो कम हो जाती, तो वो कुछ दिन तक हम देते हैं गोलियां, और उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं कि और रिलैक्स कैसे होना, शवासन कैसे करना, सूचनाएं देना। और सूचनाएं जब दे रहा है तो सिर्फ सूचना देके होगा नहीं, सूचना देने के समय विजुअलाइजेशन करना, मतलब कल्पना करना कि मैं सिगरेट पी रहा हूं और अभी सिगरेट फेंक रहा हूं, या सिगरेट पीने के बाद में विचार आया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब ऐसा अपने आप को देखना है, कल्पना करना है, कल्पना चित्र खड़ा करना है, विजुअलाइज करने का है कि सिगरेट न पीते हुए मैं कैसा दिखूंगा, कैसा रहूंगा, कैसा बोलूंगा, कैसा चलूंगा और कैसा रिलैक्स रहूंगा बिना सिगरेट का, तो वो देखने का है। ये ऐसा यदि करते हैं, सब तरह से उसका इलाज यदि करते हैं, तो फिर डेफिनेटली स्मोकिंग जो है, धूम्रपान की जो आदत है वो बंद हो सकती है। ये सम्मोहन के और बहुत सारे फायदे हैं, ये मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे फेसबुक पेज को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।